नमस्कार दर्शकों, आज के हमारे शो आपकी बात में और हमारे स्टूडियो में हमारे साथ बहुत ही वर्सेटाइल एक्टर मौजूद हैं, जिनको आप लोगों ने टीवी सीरियल और कई बॉलीवुड की फिल्मों में देखा हुआ है। बहुत ही नामी चेहरा है हर्ष छाया जी, मोस्ट वेलकम टू आवर स्टूडियो एंड आवर शो आपकी बात जी। शुक्रिया हर्ष जी। मैं एक बहुत ही मेरे ख्याल से ये सवाल काफी लोगों के जहन में उठता होगा, यू आर वेरी वेरी गुड लुकिंग, बड़ा अच्छा चेहरा है, उसके बाद आप रोल जो है बड़ा क्रीपी टाइप के कैरेक्टर्स क्यों पिकअप करते हैं? जो हमने अभी आपको लेटली देखा, लेडीज स्पेशल में यू हैव प्लेड वेरी वेरी टिपिकल एब्यूसिव हस्बैंड, बहुत ही अजीब सा वो कैरेक्टर था, एक बड़ा ही उलझा हुआ सा वो। फिर जो एक और हमारे दिमाग में एज थे, एक भूमिका आपकी लागा चुनरी में दाग, यशराज बैनर की जो फिल्म थी जिसमें आपने यू वर द वन हु बिकॉज ऑफ होम रानी का जो है पूरा कैरेक्टर बदल जाता है उसके बाद, तो इस तरह के रोल्स क्यों आप पिकअप करते हैं, इसके पीछे कुछ वजह है? हाँ हाँ, इसके पीछे बहुत बड़ी वजह है। अब देखिए कितना एक्साइटमेंट फैला हुआ है लोग नाराज हो रहे हैं। हाँ, नाराज हो रहे हैं लोग, गुस्सा हो रहे हैं। कुछ लोगों ने मेरी बीवी से भी पूछा है वाकई में, वो ऐसा है तो नहीं ना घर में, मतलब हाउ कम यू मैनेज टू प्ले द कैरेक्टर सो वेल। मजा आता है वो करने का, क्योंकि कुछ मसाला रहना चाहिए करने के लिए। अभी हर वक्त एक अच्छे ही आदमी का किरदार करते करते जरा बोरियत सी हो जाती है। एज एन एक्टर ऑल्सो, भाई एक्टर बने हैं तो उसके तो माने ही ये हैं कि आप क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या नहीं कर सकते हैं। वरना अगर एक ही काम करना होता, अब जो लोग एक काम करते हैं उन पर ये कोई टिप्पणी नहीं है, ना मैं उनको कोई कम आंकने की कोशिश में, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन हाँ, मुझे अगर एक ही काम करना होता तो फिर मैं एक नौकरी ले लेता और रोज़ सुबह जाता और वो नौकरी करता और घर आ जाता। ये काम ही इसलिए लिया है कि हर रोज़ मैं कुछ नया कर सकूँ या देखें क्या क्या नया नया हो सकता है। तो एज एन एक्टर विस्तार ज़रूरी है। ये तो खो गया था लेकिन मिल गया। तुम एक गलत फहमी हुई, ये नकली है। नकली है? ये नकली है? सच बोलो, सच बोलो। इसको बैग में छुपाया था ना, बैग में छुपाया था इसको बेचने के लिए। माँ को पैसे बेचने हैं क्यों? बोलो। नहीं नहीं, मैं सच कह रही हूँ, मेरा मगर सुबह चोरी हो गया, ये नकली है। मतलब ये कैरेक्टर्स जो आप पिकअप कर रहे हैं बेसिकली इट एड्स टू द एक्साइटमेंट एंड ग्रोथ ऑफ यू एज एन एक्टर। या आई गेस एज एन एक्टर ये जरूरी है कि आज से अभी भी 20 साल पीछे देखो या 40 साल पीछे देखो तो एज एन एक्टर आपने क्या क्या किया, तो उसमें बॉडी ऑफ वर्क में क्या गिना जाएगा? सिर्फ एक अच्छा आदमी, कभी MBA, USA रिटर्न MBA, कोई अच्छा डॉक्टर, यही एक ही है। अगर पीछे मुड़ के मैं देखूं और ऐसा ही होगा तो मुझे अपने बारे में अफसोस होगा। जैसे आपने कहा आपकी वाइफ से लोग पूछते हैं कि आई होप ही इज नॉट एन एब्यूसिव हस्बैंड इन at home and all, so how does she react? She must be, she loves it off or what? I mean, you take that as a compliment ki chalo people think you are such a good actor. Main to aise hi lunga, main kyun nahi chahunga aise lena. Ha, aur wo to ek niji rehta hai, ye har aadmi jo hai har cheez apne bare mein acha hi ghuma leta hai, mane but ha, she loves it off, aur kya kare, wo bhi she also loves it. Us bechari ke paas aur koi upay nahi hai siway iske she loves it off, ki usko hans de aur baat kare. Ye jo aapne laga chunri mein daag usme bhi jo aapka role tha, I mean I remember people just wanted to get up and slap you kind of, you know. Achhi baat hai, achhi baat hai, mane jab tak aisa soch rahe hain baaki mujhe maarne lage tab dikkat hogi. Nahi nahi, waise to koi nahi marega, I mean I'm sure, but इतना आप उतने छोटा सा, वो बहुत छोटा सा रोल था आपका जो था उस फिल्म में, इट वाज अ मेजर मेजर बिग बैनर फिल्म, यू हैड अ वेरी स्मॉल रोल, येट यू मैनेज टू रिमेन, आई मीन एवरीबडी नोटिस्ड यू एंड यू एच्ड, आपने सबके मेमोरी में एक जगह बना ली एज एन एक्टर एंड एज अ प्रोफेशनल। हाँ, अब कोशिश तो यही रहेगी कि भाई काम लोगों को नजर आए। हाँ, रोल अगर अपने आप में छोटा भी है तो फिर मेरी तो यही कोशिश रहती है कि छोटे रोल में क्या हो जाए कि लोगों को याद रह जाए, वरना थू रोल आता है चला जाता है। इतने सालों के बाद भी अगर हम आज इस जो ये फिल्म जो थी बॉक्स ऑफिस में बहुत हिट नहीं हुई थी, इट डिडंट प्ले वंडर्स फॉर रानी मुखर्जी और एनीबॉडीज कैरियर, बट पीपल स्टिल रिमेम्बर यू। जी हाँ, और अब तक ऐसा है कि ये शायद फिलहाल ऐसा लग रहा है कि ये कुछ मेरी करियर स्पेशलिटी बनती जा रही है, जो मैं उम्मीद करता हूँ कभी आगे जाके आगे बढ़ेगी। हाँ, कि जब कोई ऐसा अहम कोई किरदार होता है लेकिन बहुत बड़ा नहीं होता
तो फिर वो मेरे पास आते आपके हैं, पास आपको याद करते हैं, नॉक नॉक हर्षी कहाँ है, ये रोल छोटा है लेकिन इसको जो है आप करें, टर्निंग पॉइंट हो जाएगा। तो फिर जाहिर है कि फिर उसमें फिर कुछ करना ही हुआ, कुछ तो करके देना पड़ेगा उनको। क्वालिफिकेशंस तो तुम्हारे पास है नहीं, बट यू डोंट हैव टू वरी, और बहुत कुछ है तुम्हारे पास। Come on, I'm sure you know what I mean, don't you? अच्छा, मैंने अभी हाल में कहीं पढ़ा था कि there was a shooting on in Mumbai somewhere और दिलीप साहब जो है वहाँ आए थे किसी कारण के लिए, and he was very very impressed, वो आपके acting से बहुत impressed हुए थे और शायद आपको काफ़ी सारा compliments भी देके गए थे, तो ये क्या वाक्या है ये बताइए। मठ में कहीं पे हम लोग शूटिंग कर रहे थे और उसी लोकेशन को देखने दिलीप साहब और सायरा जी वहाँ पे आए थे, क्योंकि उनका प्रोडक्शन हाउस कोई सीरियल या कोई फिल्म शायद शूट करने वाला था, तो वो लोकेशन देखते देखते उस जगह पे पहुंचे जहाँ हम लोग शूटिंग कर रहे थे। जी जी। तो जाहिर है कि दिलीप कुमार को देख के सब सुन पड़ जाते हैं, तो हम लोग की सबकी शूटिंग रुक गई, हम सबका काम रुक गया और हम लगे आए दिलीप भाई सारे बानो, तो किसी ने कहा कि नहीं लोकेशन देखने आए, तो हम लोग जो है शूटिंग रुक के कोने में खड़े हो गए और हम सब उनको ताक रहे थे, वो लोकेशन देख रहे थे, तो अचानक उनकी नज़र हमारी तरफ पड़ी कि इतने लोग खड़े थे तो नज़र तो पड़नी थी जाहिर, अब तो दिलीप कुमार है, हम सब जानते हैं दिलीप कुमार है, तो हम सब ने अपने किसी ने हाय किसी ने नमस्ते वगैरह वगैरह वगैरह, तो हमने भी नमस्ते की हाथ मिला, हमने कहा दिलीप साहब आपको सालों से देखते हैं वगैरह वगैरह जो भी कुछ होता है, और फिर अपने काम में मैंने नमस्ते बोल के मैं वापस आने लगा, तो उन्होंने कहा कि हम भी आपका काम देखते हैं। अच्छा। अरे बाबा क्या बात, मतलब he told you, he watches you? जी, उन्होंने कहा कि और आपका काम मुझे अच्छा लगता है, बहुत पसंद है और आशीर्वाद वगैरह वगैरह वगैरह, तो लगा वाह यार ये तो बड़ा अच्छा हुआ। ये एक तो उनका उनका बड़ापन, क्योंकि अमूमन मैंने ये देखा है कि कोई जब इतना बड़ा आदमी होता है वो चाहे तो आपको नज़रअंदाज करके जा सकता है, हमने हाथ मिला लिया, उन्होंने कहा थैंक यू, वो जा भी सकते थे, बिल्कुल उनको ये कोई वजह नहीं थी उनके पास कि वो खास इस बात को मुझसे करें, तो जाहिर बड़ा अच्छा लगा कि उन्होंने कहा कि भैया आपका काम देखते हैं, वो सारा जी भी साथ में थी, तो शी आल्सो जॉइंड इन, यस यस वी वॉच यू एंड वी लाइक योर वर्क, यू नो best of luck and all that. So that must have been like made your what year or what? Yeah, made my life, made my day of course. तो बहुत ही अच्छा वाक्या है। चलिए हम बात करते हैं आपके अस्तित्व सीरियल की, जिसमें आपने डॉक्टर मानस का रोल प्ले किया था, दैट वॉज अ वेरी नाइस सीरियल, काफ़ी उसकी अच्छी टीआरपी थी, लोगों ने उसकी कहानी भी बहुत पसंद की थी, तो उसमें आप ये सब नहीं थे, यू वर नॉट एनीथिंग नेगेटिव, वेरी नाइस रोल, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, क्या यही वाला कैरेक्टर प्ले करते करते मतलब आप बोर होते गए? यही वाला नहीं, लेकिन हर बार एक ही है करना, जैसे अब मानस चला, तो मानस जो है वो करीब दो साल दो ढाई साल चला, तो उसके बाद यू वांट समथिंग एल्स, मैंने उसके बाद वापस कोई आया कि सर फिर एक डॉक्टर है या फिर कोई इंजीनियर है जो अच्छा है, तो आपको लगता है कि अब कुछ और है तो बताओ, ये तो दो साल ढाई साल तो वो किया, या इट वॉज अ नाइस पार्ट, और अच्छा किरदार लोगों को देखने में भी अच्छा लगता है, उनको लगता है बाबा कितना अच्छा आदमी है ये, और उसमें ये भी रहता है कि जब वो रोल देखते हैं तो वो ये भी मान लेते हैं कि तो ये खुद भी ऐसा होगा, उसका नतीजा ये होता है कि आपको कुछ अलग ही सीढ़ी पे वो लोग चढ़ा देते हैं, फिर वहाँ तकलीफ होने लगती है, बिकॉज दे स्टार्ट लुकिंग, उनको लगता है कि ये आदमी बहुत अच्छा होगा, तो ये जरूरी हो जाता है उनको बताना, वो इमेज को ब्रेक करे, मैं साधारण आदमी हूँ और मुझे वो पेडेस्टल नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, okay. और अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि ये इंसान भी अच्छा होगा तो मैं फिर अगला ऐसा काम करूंगा कि आप मेरी बीवी को वाकई पूछें कि ये मारता तो नहीं तुम्हें। So this was the, ये आपका thought था क्या जो आपने ये सारे roles pick up किए? जी हाँ, जी हाँ। यही था कि you didn't want that pedestal. Professionally speaking, yes, I think it makes sense to have a body of work and variety. Varied, जिसमें variety हो। हर्ष जी, यहाँ पे लेना होगा हमें एक छोटा सा break.